दोस्तों हमास ने इसराइल को अब धमकी दी है। इसराइल हमास युद्ध अब लगातार बढ़ रहा है। पहले इसराइल हमास पर हावी था, लेकिन अब हमास इसराइल को धमकी दे रहा है। हमास ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो कोई भी बंधक जिंदा नहीं बचेगा। हमास के पास इसराइल के करीब 130 बंधक हैं, जिन्हें इसराइल छुड़ाना चाहता है। इसराइली नागरिकों को छुड़ाने के लिए इसराइल ने करीब एक हफ्ते का युद्ध विराम भी कर दिया था। उस समय करीब इसराइल के 250 नागरिक हमास की कैद में थे, लेकिन अब करीब 130 इसराइली नागरिक हमास की कैद में हैं। हमास के ओकोड विंग के प्रवक्ता अबू अबदा ने इसराइल द्वारा बंदी बनाए गए फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का जिक्र करते हुए कहा कि ना तो फांसी वाली दुश्मन है और ना ही अहंकारी नेतृत्व, लेकिन बिना बातचीत के मांगों को पूरा किए बिना अपने कैदियों को जिंदा नहीं ले जा सकते, क्योंकि फिलिस्तीनी कैदियों को इसराइल ने बंधक बना रखा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो इसराइल ने हमास के कैदियों को बंधक बना रखा है और हमास ने इसराइली नागरिकों को बंधक बना रखा है। 1 दिसंबर को खत्म हुए एक सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान इसराइल ने करीब 240 फिलिस्तीनियों को रिहा किया, वही करीब 100 के आसपास इसराइल नागरिक रिहा किए हमास ने। वही इसराइल हमास की लड़ाई में मध्यस्थता का कोई काम कर रहा है इस समय तो वो कतर कर रहा है, लेकिन कतर ने भी कहा है इसराइल की ओर से हो रही लगातार बमबारी की वजह से सफलता मिलने की संभावना लगातार दोनों तरफ से कम हो रही है, क्योंकि हमास के ओबिदा ने भी कहा है इसराइली सेना के साथ हमास की जंग जारी रहेगी। ओबिदा ने कहा है कि हमारे पास हर मोहल्ले, सड़क और गली में बरबर कब्जे करने वाले से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुश्मन का मकसद हमारी ताकत को तोड़ना है, लेकिन हम अपनी भूमि पर एक पवित्र युद्ध लड़ रहे हैं। यही विश्वास और ताकत दोस्तों हमास को मजबूत कर रही है। इस ताकत और आत्मविश्वास के साथ हमास के लड़ाकू लगातार इसराइल पर वार कर रहे हैं, और वार ही नहीं इसराइल पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि पिछले दिनों हमास ने इसराइल के कई जगहों पर बमबारी की, इसी वजह से कई इसराइली गाड़ियों को नुकसान हुआ है और कई गाड़ियां आग के चपेट में भी आई हैं। गाजा में युद्ध अब तब शुरू हुआ है जब 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर भीषण हमला करते हुए हजारों रॉकेट हमास ने दागे थे। वही हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा पट्टी में करीब हमास के खिलाफ इसराइल की जवाबी हवाई हमलों से करीब 17,700 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश नागरिक बताए जा रहे हैं।